अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में चोरी के वाहनों का स्लॉटर हाउस चलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को स्लॉटर हाउस के केंद्र सोतीगंज में SP कैंट सूरज जाय ने भारी फोर्स के साथ कबाड़ियों के गोदामों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। इसकी भनक लगते ही कई कबाड़ी दुकानों के शटर गिराकर भाग निकले। बरामद सामान का रिकॉर्ड न दिखाने पर कई गोदाम व दुकान पुलिस ने सील कर दिए। 40 से ज्यादा वाहन और उनके इंजन जिनका कोई रिकॉर्ड कबाड़ी नहीं दिखा सके वाहनों में लादकर सदर थाने भेज दिए गए। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। सदर बाजार पुलिस सोतीगंज के कुख्यात मनु उर्फ मोइनुद्दीन कबाड़ी की करीब 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। चोरी और लूट के वाहन काटने वाले कबाड़ियों की पुलिस ने सूची बनाई है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद इन कबाड़ियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसके पीछे थाना पुलिस की कबाड़ियों पर मेहरबानी बताई जा रही है। अब नए कप्तान प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर ASP सूरज राय ने सोतीगंज में छापा मारा। उन्होंने बारी बारी कई कबाड़ियों के गोदाम दुकानों को खंगाला और वहां मौजूद सामान का रजिस्टरों से मिलान किया। कई गोदाम पर रिकॉर्ड न मिलने के बाद उन्होंने गोदाम सील कर दिए और कबाड़ी को हिरासत में लेकर थाने भिजवा दिया। ASP की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इस बारे में ASP कैंट सूरज राय ने यह जानकारी FirstBite को दी। आज दिनांक 29/7/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में सूचना लगी थी कि कई जगहों पर यहाँ सोतीगंज में गाड़ियों के पार्ट्स मिले हैं जिनका ट्रेस कोई नहीं है। इस सूचना पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अड्डों पे पुलिस की टीम गई और वहाँ पे जब जाके खोजा गया तो देखा गया कि गाड़ियों के बहुत सारे इंजन और स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं जिनका कोई भी हिसाब नहीं है। कई इंजन के ऊपर जो इंजन नंबर है उसको मिटा भी दिया गया था, कई कई जगह काट दिया गया था। तो ऐसे कई सारे स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए हैं, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर किया जा रहा है और जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें लगभग 10 से ऊपर गोदामों पे तो सामान मिले हैं। कई सारी दुकानों पे चेकिंग भी की गई है जहाँ पे इंजन और पार्ट्स जो थे वो ऐसे थे जो RC कैंसिल्ड गाड़ी के थे और उनके जो आवश्यक दस्तावेज थे वो दुकान मालिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए और ऐसी जगहों को छोड़ दिया गया और जहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पाए वहाँ पे उन सारे पार्ट्स को सीज करके हमारे द्वारा थाने पर लाया गया। ये अभी एक शुरुआत है, लगातार अभी कुछ दिनों पहले एक हफ्ते में करीब 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर हुई। रोज गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है लगभग 2-3 के खिलाफ और इसी क्रम में ये आज का घटनाक्रम हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए FirstBite.tv। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।